न्यू व्लॉग नोट व्लॉग गाइस, ये हमारा चैलेंज होने वाला है। 24 घंटे हम रहने वाले हैं इसी रिक्शा के अंदर। तो ये हमारी ई रिक्शा है, इसी रिक्शा से ना तो हमें कदम नीचे रखने के ना एक कदम ऊपर रखने के, सॉरी ऊपर तो रख लेंगे लेकिन एक भी कदम हमें इससे नीचे नहीं रखने के। और गाइस, इस चैलेंज में हमारे साथ रहने वाले हैं हमारे दो कंप्यूटर और हमारा एक चाला। इसको आजादी है, ये उतर भी सकता है चढ़ भी सकता है लेकिन हमें कोई भी आजादी नहीं है। और दो बंदरों को देख लो भाई, एक बंदर ऊपर एक बंदर नीचे, ये दोनों ना उछल कूद मचा रखी इन्होंने इसके अंदर। तो गाइस, अभी हमारा चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। पहले मैं तुम्हें टाइम दिखा दूं भाई, क्या टाइम होगा, टाइम हो गया है 8:07। तो गाइस, 8:07 पे हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करा लेकिन चैलेंज कितने टाइम में स्टार्ट होने वाला है वो अभी देखने वाले हैं। गाइस, अपने इस चैलेंज में हमारे साथ एक नया कंप्यूटर और ऐड हो गया है, वो है हमारा पीकू। तो गाइस, पीकू के लिए ना गद्दा भी लेके आ गया क्योंकि पीकू ना कंफर्टेबल जोन में रहेगा तभी तो पूरा चैलेंज कर सका है। तो गाइस, इसके लिए भाई गद्दा बिछाना है, हट जा भाई। पीकू साथ में जाएगा, कल्लो और अल्फा को साथ में नहीं ले जा रहे क्योंकि भाई ये चैलेंज ना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, रात को भी रहना पड़ेगा ना भाई, 24 आवर चैलेंज है। तो गाइस, अभी टाइम देखते हैं और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी टाइम हो गया है 8:43। तो अब हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है। तो चलो भाई, बैठ लो अपनी रिक्शा के अंदर। तो गाइस, हमारे साथ पीकू भी ऐड हो गया, एक कंप्यूटर और ऐड हो गया, वो आगे बैठा, चलो उसे भी दिखा दो तुम्हें। कंप्यूटर अपना ये बैठ गया, कहां गया भाई कंप्यूटर, ये रहा। लो भी अपने साथ जाने की कोशिश कर रही, बट इसे हम ले जा नहीं सकते क्योंकि इसे कहां रखेंगे, तू यहीं रह ले। ठीक है भाई, जाओ। फाइनली गांव से बाहर निकलने वाले हैं, अभी बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। पहले ना कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, जैसे कि पानी वगैरह भी लेना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम ना हमने घर से कुछ भी सामान नहीं लिया, सारा सामान दुकान पे से खरीदेंगे। देखते हैं भाई, दुकान वाले अंकल हमें यहाँ तक सामान पकड़ा देंगे कि नहीं पकड़ा देंगे, कि हम तो एक बार भी नीचे नहीं उतर सकते। पानी की बोतल दे दो, बड़े वाली। तो फाइनली थम्सअप की बोतल आ गई सबसे पहले, साथ में पानी की बोतल भी आ गई। आज ना हमारे पास कैश भी नहीं है, सारा कुछ फोन पे ही करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, फाइनली फोन पे हो गया भाई। ओके, हम आगे निकल गए थे, मैंने एक दादी ने कहा कि मुझे भी बिठा ले, हम ना फिर वापस लेकर आए क्योंकि अपने गैंग का कंप्यूटर ऊपर छत पे चला गया। आ जाओ दादी, बैठ जाओ, डरो ना, कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ, हम सब ले रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, बैठ लो, बैठो, आओ। अरे डरो ना, तुम आ जाओ, बैठ लो, आ जाओ, आ जाओ, गारंटी है हमारी, अरे गारंटी है हमारी, तो आ जा। गाय दादी तो डर गई, यहाँ बैठने से। दादी चल ठीक है, सुन कंप्यूटर पीछे आ जा भाई, घूम का जानू करूँ इनका कंप्यूटर, एक पीछे बुलाना पड़ा तब जाके दादी आगे बैठेगी। बैठ लो, अब तो बैठ लो, देसी हो गाय, ड्राइवर नू कह रहा देसी हो तो। दादी अब तो नहीं डर लग रहा, देखो तो आगे बैठ के भी डर लग रहा, कोई रास्ते में मिलेगा ना उसे लिफ्ट देते हुए भी चलेंगे, जिसे अब लिफ्ट देंगे ना सबको फ्री देंगे। गाय ताई को भी उतार दिया, ठीक है दादी, बाय बाय टाटा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ओके थैंक यू। कहीं ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ हम बिल्कुल छांव में बैठ सके क्योंकि थोड़ी बहुत देर आराम करना पड़ेगा ना। वो पेड़ है उसके नीचे बढ़िया छांव है, तो वहाँ चलते हैं। और ये देख लो भाई, खेत के अंदर कोई घुसा दी, कुछ कंप्यूटर भी अपना पीछा कर रहे। ये चेक करो भाई, कितनी बढ़िया छांव के नीचे आके बैठ गया हम, पर पूरे आम का पेड़ है। वैसे पिकू की भी मौज है, ड्राइवर की भी मौज है, ये दोनों अपना नीचे उतर के घूमते रहे। पीकू के खाने के लिए पीकू का बर्तन भी लेके आया था और साथ में दही भी लेके आया इसकी, क्योंकि इसे भूख लगेगी, अपने साथ रहेगा 24 घंटे। गाइस नीचे रखते हैं बर्तन, आ जा पीकू जल्दी, बर्तन में पीला पानी। गाइस खाली दिमाग शैतान का घर, लड़ी बना दी चप्पलों की, किसी का माड़ा गिर नहीं होना, कोई नेता मिलेगा उसके गले में माड़ा गिर देंगे रास्ते में। अगर हमें इधर से इधर जाना ना तो भाई ऐसे ही जाना पड़ेगा, जुगाड़ उगाड़ करके, देख लो कैसे जुगाड़ करके आना पड़े। इसी रिक्शा में डिब्बे भी है, यानी कि बजने वाले डीजे। तो गाइस अभी भजन बजाएंगे, और जो ड्राइवर है ना ये कह रहा कि मैं डिस्को डांसर हूँ, तो डांस करके दिखाएगा अब हमें। ड्राइवर साहब की मनपसंद का गाना चलेगा जंगल में मंगल। अरे रुक जाइए, तो ड्राइवर साहब की मनपसंद का गाना ही चल गया, आओ भाई जंगल में मंगल। ये क्या बकवास कर रहा है, बाबा मोहन राम का भजन, ड्राइवर साहब नु कह रहे जंगल में मंगल। ऐसा ना हो डिस्को डांस तो कर रहा, कभी भी कुछ पर लोग लगाते देख लियो देख लियो पाटेगा बम, और के चक्रा में फंस गए हम। अभी आराम करते हुए काफी टाइम हो गया, ये देखो 12:23 हो चुके हैं, 4 घंटे के करीब हो गया भाई हमें चैलेंज करते हुए। इसके बाद जाएंगे भाई कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, सारा सामान ना आज खाने पीने का बाहर दुकानों से ही खरीदेंगे। ये भी रेस्टोरेंट पे जाने वाला है कुछ खाने पीने का सामान लेने, तो मैं बैठ रहा हूँ छत पे क्योंकि तुम्हें ना ऑफरोडिंग भी दिखानी भाई, 3 पहियों वाली रिक्शा भी कैसे ऑफरोडिंग कराए, और जो हम चीज लावे ना वो खतरनाक ही लावे क्योंकि हमारे पास सारा सामान खतरनाक है। फाइनली ऊपर आ गया, ऊपर ना गद्दा वद्दा सेट कर रखा, ये चेक करो मैं रिक्शा की छत पे बैठा और ऑफरोडिंग कर रहा भाई, ये देख लो हम ना खेत में है, बान में पूरा बान है ये, और ये देखो भाई मेरे को रस्सी पकड़नी पड़ रही क्योंकि कुछ नहीं पता, अगर ये पलटगी ना तो सिर भी फूटेगा मुंह भी फूटेगा दही भी टूटेगी। ओए कोई भाई, ओ भाई, ओ आराम सा, ये देखो कितनी तगड़ी ऑफरोडिंग करनी पड़ रही,
और ऊपर से सूरज की धूप लग रही, सीधी मुंह पे। ऐसे ऐसे भयंकर काम तो अभी स्टार्ट ही हुए और खत्म जब होंगे ना तब देखना क्या धमाल हो जाएगा। ये लोग है ना यहाँ सब देख रहे हैं हमें कि क्या कर रही है। यहाँ चढ़ने वाली है, रिक्शा देखते हैं भाई चढ़ जाएगा क्योंकि भयंकर चढ़ाई है यहाँ। चल भाई चल, मोटरसाइकिल में टक्कर ना मार दिए। चलो 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 भाई चलो। ओ भाई सड़क पे चढ़नी है, ओए ओए पलट ना जावे भाई, डर लग रहा है यार। ये नहीं पता भाई एक भी पहिया का ऊपर नीचे होगा ना तो तुरंत पलट जाएगी। गाइस फाइनली सड़क पे आ गए, अब चलते हैं रेस्टोरेंट पे कुछ खाने पीने का सामान लेने। रेस्टोरेंट पे तो पहुंच गए, अब देखते हैं भाई ये सामान हमें यहाँ पे टोकू दे देंगे या नहीं देंगे। पीको अंदर चला गया रेस्टोरेंट में घूमने के लिए, ये लेके आएगा हमारे लिए सामान खरीद के। अंकल रेस्टोरेंट पे तो आके खड़े हो गए लेकिन कहेंगे कंप्यूटरों में ना सलामा सुवारा नहीं हो अब तक कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो आराम से पेट्रोल पंप के नीचे लगा के खड़े हो गए। वो देख लो कैसे मशीन के पास जाके बैठ गया। फाइनली फाइनल हो गया क्या खाने पीने का सामान लेना, तो अपने साथ साथ ही घूम रहा। ऐसा होना चाहिए डॉग, देख लो खुले आम घूम रहा, पब्लिक के अंदर घूम रहा लेकिन किसी को कुछ कह भी दे, सबके साथ फ्रेंडली है। पीकू को पानी पिलाना पड़ेगा, हम ना सबसे ऊपर बैठे तो ये देखो पीकू कैसे पानी पिएगा। ले भाई पी ले। पीकू पहले चला गया क्योंकि खाना रेडी हो गया ना, इसे सारी चीज की नॉलेज है। रेस्टोरेंट वाले ने आवाज मारी पहले ही गया हमारे थे। फाइनली खाना आ गया अपना, ये लो भाई शाही पनीर दाल मखनी नान प्याज सब कुछ आ गया, सलाद वगैरह भी है साथ में, ठंडा भी आ गया और भाई अंकल QR कोड भी लेके आ गए। पीकू को तो बैठा लो। ढूंढते ढूंढते ऐसी लोकेशन पे आ गए, सामने देखो भाई झरना चल रहा उधर की साइड, बट यहाँ रुकना सही नहीं है क्योंकि ये रास्ता हो गया बीच में, अब यहाँ कहीं छाव नहीं है क्योंकि इधर भी धूप होगी इधर जंगल हो गया, इस वजह से कहीं ऐसी जंगल लगा के खाएंगे खाना ताकि शांति से खा सके। पीकू तो पैदल पैदल चल पड़ा क्योंकि इसे पता ना सभी इतनी तेज चल रही जितनी तेज मैं चल रहा। ये भी इतनी खतरनाक जगह आ गया है, देखो जाल है और इधर देखो ये पेड़ भाई, ये ना पुराने जमाने का पेड़ है, पुराने जमाना समझो 100 साल से भी बहुत पुराना पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाना खाएंगे। हमारे से पहले यहाँ कुछ आदमी आ रहे थे और उन्होंने ना नारियल पकड़ने का जुगाड़ बढ़ा दिया, नहर में जो भी नारियल आओगे उसे पकड़ लेंगे। जिस भी लोकेशन पे हम रुके हमारा ड्राइवर ना चला गया, पीछे तो सेटिंग नहीं बननी ऊपर ही बैठ कर खाना पड़ेगा। खाना स्टार्ट करते हैं, अब ये देख लो जुगाड़ करके खाना पड़ रहा, पन्नी में गाल के खानी पड़ रही है ना। ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम आराम से सो सके, और अब जा रहे हैं घर, पहले फोन भी चार्ज कर लेंगे रिक्शा भी चार्ज कर लेंगे क्योंकि रात को करने वाले धमाल, पूरी रात जागने वाले हैं पूरी रात घूमने वाले हैं। बट पोपट हो गया यार रिक्शा फंस गई ऑफरोडिंग करते वक्त, ओ 30 बस ड्राइवर को है नीचे उतरने की। रिक्शा काम के बीच में घूम रही, मैं रिक्शा के ऊपर बैठा, लोगों के रिएक्शन भी पूरे खतरनाक है, पर मैं दूसरों की तरफ को कैमरा कर नहीं सकता क्योंकि आदमी ने सोचा पता नहीं क्या दिखा दिया, गांव वालों थोड़ा अलग रहना हिसाब। गाइस घर आ गए हैं क्योंकि बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, फोन भी चार्ज करना पड़ेगा और पावर बैंक भी लेना पड़ेगा। सेटअप कर दिया, रिक्शा भी चार्ज होने लग रही, अपने फोन वगैरह सब कुछ चार्ज हो गए, लीड वगैरह भी आ गई कानों पर लगाने की क्योंकि रात को एडिटिंग वगैरह काम करने काम आओगे, पावर बैंक भी आ गया चार्जर भी आ गया, बट एक गड़बड़ होगी ये चार्जर लैपटॉप का लिया है, लैपटॉप हम लेने के नहीं। गाय जब मैं सो रहा था और कहेंगे कंप्यूटर देख लो कैसे कैसे काम कर रहे, बोतल में मुत्तल लग रहे, नीचे उतरने की कोशिश भी नहीं कर रहे। देखो भाई सामने ना जूस वाला आ रहा, जूस वाले भाई, वो ताऊ जूस वाले, वो ताई के पति जूस वाले, वो जूस वाले चाचा, वेलकम वेलकम ताऊ वेलकम, 4 गिलास जूस दे दो। गाय जा जाओ जूस पी लो, हम तो पी रहे। ये देख लो भाई कहेंगे कंप्यूटर कितनी सेवा कर रहे, भाई जूस ही लेके आगे पी लिया सामने जूस, लेकिन फिर एक एक गिलास लेके आगे। इधर चेक करो कल और पीकू की ग्रिप लगवा दी तगड़े वाली, कहेंगे सारे कंप्यूटर आगे खड़े हो गए और ग्रिप लगवा रहे भाई तगड़े वाली। रिक्शा चाहती है जी सारी, ये अर्जेंटली चाहिए, 2000 रुपए ले लियो एकदम चाहिए। गणेश बुक जरूरी बात वो है जी, काम है एकदम, 2000 रुपए दे देगा जी एकदम। कहाँ जाना है? बिराड़ा जाना था जी। अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर जाना था, चाचा को 2000 रुपए की बुक भी हमने भेजी, चाचा रेजी हो रहा पूरा। चाचा चाचा हम नहीं करता फोन ही हो। रिक्शा के पर्दे वर्दे डालिए, पूरा अंधेरा हो गया रिक्शा के अंदर, 2 कंप्यूटर सामने 2 कंप्यूटर पीछे, एक छोटा सा बालक भी बिठा लिया हमने साथ में, पीकू भी है, ये ना अजंता की बैठा बस यही उतर जाएगा सामने। कल्लो भी घुस गया इसके अंदर, तो ये गलत सीन हो गया। कल्लो उतर नीचे नीचे जा तू, तू अपने आप ही मजा आ रहा रिक्शा में बैठने का, अपने आप आवे भाग के बैठ जावे और जहाँ हम जा रहे हैं वहीं तक हमारे साथ चल रहा। बस बस बिल्कुल बस बस गाइस एक जगह स्टॉप ले लिया, अब रिक्शा में चलाऊंगा तो आगे जाना पड़ेगा मेरे को, हट जा भाई। ये देख लो भाई आगे भी जाना पड़े ना, तो ऐसे लटक लटक के जाना पड़े, कदम नीचे नहीं धर रहे हम, चाहे सुसु कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, बस कदम ना हम नीचे ही नहीं रख रहे। हमारा भाई आ गया ड्राइविंग सीट पे, चले भाई चलो चलो। हमारे भाई पे सारी चीज चलानी आवे, बस एरोप्लेन और रेल नहीं चलानी आई, बोलो
वो भी चला दूंगा किसी दिन ड्राइवर को पटा के। मारेगा जालिम, मारेगा किसी को। मेरे को देखो, मैं एक हाथे ड्राइविंग कर रहा और उल्टे हाथ कर रहा वो भी ड्राइविंग, एक हाथे वीडियो बना रहा। लड़की हो या भारी फ्री सवारी, बड़ोद 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 बड़े भाई बड़ोद चले बड़ो चले गए भाई। तुम्हारे भाई की रिक्शा ये लो भाई, कैसे जा रही भाई? वाह वेरी गुड। भाई रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा क्योंकि पिकू का बर्तन घर भूल आए, पिकू का नया बर्तन लेना पड़ेगा। ओए 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 रिक्शा वाले ठुक गए। ओए 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 जहाँ से सामान लेना था वो देखो सामने दुकान बंद होगी। ये भी हमारी स्पीड देखो कितनी है, वही 16 की स्पीड है, 14 की, वही 14 की, वही 14 15, वही 15 16, वही 17, वो बैठे वो बैठे 18 18। ये देख लो 18 की स्पीड चल रही थी हमारी रिक्शा। बोल बाबा गुफा वाले की जय। तो गाइस फाइनली बाबा गुफा वाले पे पहुंच गए हैं। बोल बजरंग बली की जय। हम तो नीचे उतर नहीं सकते, बस यहाँ बैठ के दर्शन करेंगे और अब चलते हैं मार्केट में, पहले खाएंगे खाना और उसके बाद जाएंगे भाई कब्रिस्तान के अंदर। अभी मजा आएगा ना। हम तो माथा टेकने के लिए गए नहीं, लेकिन ड्राइवर भाई माथा टेक के आए हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेंगे। पिगो देखो, पिगो भी प्रसाद खा रहा है। ये चेक करो, हमने पिगो को सीट पे बैठा दिया, पिगो के लिए कंफर्टेबल सीट होगी। अब मेरे हाथ में सामान रहे मुच्छा वाले को। ये भी बाजार के अंदर एंट्री कर ली, सुनसान पड़ा सारा बाजार। पहले जिसके पास हमने पाव भाजी खाई थी, आज फिर आगे उसी के पास। पिगो को जानो तुम, पिगो की फैन फॉलोइंग भी भाई ज्यादा हो रही। ओए ओए पिगो ये कह रहा कि मेरे को घुमा दो, घूम ले। हवा निकल गई। पिगो देख लो कैसे राल टपका रहा पाव भाजी के ऊपर, और पाव भाजी हमारी लगने वाली है। ये देख लो पूरा तवा ही भर गया इसके तो पाव भाजी का। अपनी पाव भाजी लग के आ गई, खा ले बढ़िया पाव है, खा ले ले। नहीं, इन दो भाई ने हमारी हेल्प भी कर दी, दूध भी लेके आ गए। चलो गाइस थैंक यू। ये देखो मैंने आइसक्रीम अपने लिए ली थी, मेरे को नहीं पता था कि पिगो भी खा लेगा। ये देखो आराम से खा रहा पिगो। जब पिगो को दूध पिलाते हैं देखते हैं दूध पी लेगा क्या। पन्नी का दूध भी पी गई यार ये तो। अबे डिस्टरबेंस ना करो, तोड़ फोड़ देगा समझ गया कड़ू। खाली हो गया, रुक जा दूसरी थैली चालू करने दे। गाइस अभी एक जगह आ गए हैं जहाँ पे शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, डांस कर रहे हैं सब। ये नहीं पता भाई किसकी शादी है, हम भी अपनी रिक्शा में डांस करेंगे। गाइस अभी टाइम देख लो, 11:56 हो गया है, 12 बजने वाले हैं और अभी भाई हम अंदर जाने वाले हैं कब्रिस्तान के अंदर ना, अपनी रिक्शा लेके घुस जाएंगे और देखेंगे भाई रात के 12 बजे हमें भूत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो गाइस 11:57 हो गए, बस पहुंचने वाले हैं कब्रिस्तान के पास। गाइस इधर की साइड कब्रिस्तान आने वाला है। ड्राइवर भाई कब्रिस्तान के अंदर घुसा दिए, भूत खाते हैं वहाँ पे भूत। भाई कोई दिक्कत नहीं है तो घुसा दिए, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, घुसा दिए। ये कब्रिस्तान, रुक जा गाइस, ये कब्रिस्तान ही है यहाँ। आगे बोले आगे वो रास्ता है कब्रिस्तान में घुसने का, रुक जा रुक जा रुक जा, ले 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 आराम से, परगुले परगुले परगुले, रास्ते पे रास्ते पे। और गाय जी ये सामने कब्रिस्तान है भाई, ले 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 ले, नीचे उतार भाई नीचे उतार। गाय जी अभी कब्रिस्तान के जस्ट बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। चल आगे गुगले, चल भाई आगे, चल 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 भाई साहब। भाई सुन एक बात, सुन सुन सुन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुन मेरी बात, तू थोड़ी सी अंदर ले ले दरवाजा खोल के, अंदर जाना बस एक बार, ठीक है? दरवाजा खोल के चलो, चल चल, हम तो चैलेंज कर रहे इसलिए हम उतर नहीं सकते ना, चल भाई। अरे भाई चल भाई साहब, अरे तू चल ले भाई, एक बार सुन दो ड्राइवर भाई, एक बार हम नीचे नहीं उतर सकते, तू एक बार एंट्री करवा दे, गेट खोल दे। गाइस पिकू तो नीचे उतर गया, वैसे कुत्ते को सबसे ज्यादा महसूस हुआ है भूत परे। भाई एक काम सुन सुन, भाई रात्रि के 12 तो बज रहे, एक बार चल तो दे बस भाई, दरवाजे नहीं खोल सकते हम, नीचे नहीं उतर सकते, तू दरवाजे तो खोल दे। गाइस अभी अगर ये दरवाजे, अरे सुन तो, अरे सुन तो, सुन ड्राइवर, दरवाजा कौन खोलेगा, क्योंकि दरवाजा खोलना भी जरूरी है तभी तो अंदर एंट्री कर सके। अब दरवाजा, अरे सुन 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 सुन, अरे नीचे क्यों उतर गया यार तू, सुन 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 सुन, अरे नीचे क्यों उतर रहे यार भाई साहब, डरने की क्या बात है, सुन 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 सुन, कौन है कौन है, रुक जाओ कौन भाई, बहुत कुछ भाई ड्राइवर बच गया।
तुम बिना बात ना घबरो भाई, बहुत कुछ है अपना करते भाई, आप उल्टे चलो गाइड गड्डी ले लो भाई, चलते चले भाई। वो भी एक्टिव हो गया भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, ये भी देखने के लिए चला गया भाई, भूत वगैरह तो नहीं सच में यहाँ। वो एक सुन 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 सुन, वो चाबी कहाँ है वो? ओए रुक 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 रुक, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, डरो ना बट भाई, पीकू तो आ गया वापस। गाइस ये सामने पूरा कब्रिस्तान है यार, सुनो एक काम करते हैं भाई, वापस लेके चलते हैं। रुक जाओ डरो मत यार, प्लीज प्लीज भाई। गाइस एक तो चैलेंज में ही पार हो गया, तो अभी टाइट हो रही भाई। सुन जाओ मैं लेके चल रहा हूं, डरे मत और यार ड्राइवर भी भाग गया हमारा, तो एक मिनट भाई, गाड़ी चेक कर, गाड़ी स्टार्ट करके ले जानी पड़ेगी हमें भाई, वीडियो नहीं बना रहा मैं, सुन रुक जा एक मिनट। अरे चल रही रुक जाओ भाई, यू क्यों बोल रही, वो बंद हो जा। अच्छा हट जाओ भाई, यार मारी तो भाई, गाड़ी भी फंस गई यार, ड्राइवर भाई आजा प्लीज। भाई गाड़ी भी उल्टी नहीं जा रही यार, सच में ही नहीं उल्टी जा रही भाई गाड़ी धकेल, उल्टी नहीं जा रही गाड़ी, जल्दी बैठ ड्राइवर। बस डरो ना जाते ना, वहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि मेरी एक बात समझ में नहीं आई यार, ये गाड़ी एकदम जाम कैसे हो गई है देख ले। बट भाई एक वहीं जा रहे हैं जहाँ सुबह थे जहाँ, हाँ बाग में, भाई घर नहीं जा सकते यार, घर जाकर करेंगे किस टाइम, कौन खोल रहा है भगवान कसम, मैं घर छोड़ दो, मैं नहीं करना कोई चैलेंज। ड्राइवर भाई बैठ के पीडी पी रहा, उधर के भूत नेगेटिविटी फील हो रही, मर गए उत्ते पता रजाई ऐसे। ड्राइवर सुनो मेरी बात, सुनो यार रुको, भाई चैलेंज में तो वैसे ही बार हो गए, ये तो वैसे बार हो गया, लेकिन अब रात का टाइम हो रहा है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। एक काम कर रहे हैं, वहां जाकर आराम से बैठ जाएंगे, देख डर मुझे भी लग रहा, लेकिन प्लीज समझो तब उसी जगह पे जाऊंगे जहाँ झोपड़ी वाला चैलेंज हुआ था, और वहाँ बेफालतू मैं भी उस दिन भी कुछ दिखा था भाई, मैं नहीं जाता, साफ है बात, मैं करूँ छोड़ दो, वैसे 12 बज रहे भाई। ड्राइवर तय कोई दिक्कत है कि भाई डर ज्यादा है शरीर में, ज्यादा डर है, ऐसा है चाप भी ले लो, गाड़ी ले लो, सुबह पहुंचा दियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला घर, मैं भी चल रहा। भाई सुन ड्राइवर सुन, तो भाई सुनो तो गाय जा रही है, तो दोनों के दोनों चल पड़े, बताओ चैलेंज कैसे होगा यार। बट भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, सारी बात सही थी, मेरे को कुछ नहीं दिखा, नॉर्मल थी सारी बात, इन्हें पता नहीं क्यों डर लगा एकदम तक, वो ना किवाड़ के पास गया उस टाइम, देख कर भागा, उसे क्या दिखा पता नहीं, बट मैं ना एक चीज तक डरा कि गाड़ी जाम होगी यार, ना आगे को चली ना पीछे को चली, दोनों गेयर लगा के देखे, ड्राइवर अपना सारा निकल गया था यहाँ, जब गाड़ी आगे को नहीं चली पीछे को नहीं चली, धकेलनी पड़ी दो आदमी को, एक तो वो चैलेंज में तो बाहर हो गया था इसलिए उन्हें धकेल दिया, चल रहा यार अब यार ये रुक रही ना एकदम, हाथ छोड़ते ही ऐसा डर लग रहा कि भूत ही रोक रहा हो कोई, पीको जब भागा ना तब एकदम से ज्यादा वो बनी है। भाई सुनो बैठ लो, आ जाओ गाँव में चल रहे, बैठ लो भाई, जब इनसे बात करके करता हूँ बात, देखते हैं भाई ऐसे चैलेंज तो खराब नहीं करेंगे हम। देख लो भाई कोई से भी ना तो ड्राइविंग कर रहा ना मेरे पास आके बैठ रहा, आगे भी मजे अकेले भी बैठना पड़ रहा, नहीं चला रहा रिक्शा भी, अब ये देख लो सारे के सारे पीछे बैठ गए पीकू के पास। भाई मेरे को तो चलानी पड़ेगी क्योंकि चैलेंज करना भाई मेरे को तो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सोचा था कि आज कब्रिस्तान के पास जाके देख लेंगे कब्रिस्तान में कुछ होया कि नहीं होता, बट भाई कुछ मतलब मेरे को तो लगा नहीं कुछ भाई, इन्होंने ना एकदम से डर का माहौल बना दिया, पता नहीं क्या था क्या हुआ है ना, क्या दिखा क्या नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ड्राइवर की हुई, ड्राइवर ड्राइविंग छोड़ के भाग गया। 12 बजे इसमें बढ़ जाओ जैसा अंदर, इसमें एक तो एक जिंद पे पाओगे, एक तो एक है इसमें, अरे पागल है यार, पीको चलो गाँव में एंट्री कर ली, और ये देखो सारे डॉग यहीं बैठे, और ये देखो भाई कितनी स्पीड बढ़ गया इसकी, ओबे बिल्कुल ठीक हो गई, तो दोबारा आना भी स्टार्ट हो गया, बारिश का मौसम हो गया, तूफान आना स्टार्ट हो गया, पेट देखो कैसे हिलने लगे, ओ भाई यार तगड़े तूफान आना स्टार्ट हो गए, तो भाई ओ सुनो भाई साहब फिल्म बनेगी दिखा तुम्हारे साथ, कहने वाली मोड़ उल्टी, रुक जाया भाई डरो ना यार, तूफानी तो है एकदम से, बारिश का मौसम हो गया, अब कहीं ऐसी जगह खड़ी करेंगे जहाँ सेफ रह सके हम, घर की साइड लेते हैं यहाँ सरकारी अस्पताल है ये, तो यहाँ एंट्री करते हैं क्योंकि यहाँ ना सेफ रहेंगे हम। हाँ ले लग रहा भाई, टेंशन ना ले, वो रो रहे तो इसका मतलब डर क्यों रहे, प्लीज यार दम में जाना डराओ प्लीज,
सुनो 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 सुनो, सामने देखो आराम से, पहले चेक करो कोई है तो नहीं। वो तो लाइट लग रही टेल पे, टेल पे लाइट है, टेल पे। भाई जहाँ तो हम गलेक्सी जगह आ गया, ये सरकारी अस्पताल है लेकिन उसके पीछे मकान है और ये ना खाली पड़े। तो भाई रुको यहाँ नहीं भाई, यार तुम भाई चलो भाई तुम घरों चलो, ठीक है वापस ले रहा यार, यहाँ से वापस ही निकालते हैं भाई क्योंकि रात का टाइम हो रहा, कुछ भी हो सके। पार्क के अंदर एंट्री कर ली, हमारे गाँव का पार्क है। अब बहुत मुश्किल थे ना मनाया कि सारे के सारे 24 घंटे तक यहीं रहेंगे, साथ रहेंगे, क्योंकि साथ में ना जो बात है वो किसी और बात में नहीं है। गाय जी देखो तूफान आने वाला है, तिरंगा झंडा भी कैसे लहरा रहा। गाय हम बिल्कुल बढ़िया जगह आ गए थे लेकिन कुत्तों ने ना बहुत बहुत का परेशान कर दिया, अब ना अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से चलना ही पड़ेगा। गाँव के अंदर एंट्री कर लिया, अब कुत्तों ने भौंक भौंक के ना भगा दिया हमें, आता है पूरा गाँव इस टाइम सो रहा और हम गाँव की गलियों में घूम रहे। नमस्कार जी, प्रशांत गांव रमाला, ओके जी धन्यवाद। गांव के कुत्ते पागल हो गए, मार के चुपड़े पिगू नहीं भाई, पिगू भी एग्रेसिव हो गया। उनके देसी कुत्तों ने रास्ते पे ब्लॉक कर दिया, देख लो कितने कुत्ते आ गए एकदम से। भाई बैग ले ले, बैग ले ले, बैग ले ले, बैग ले, बैग पिगू नो, क्योंकि इन्हें देख के पिकू भी एग्रेसिव होगा और रात को इतने कुत्ते भौंकेंगे ना तो सब जाग जाएंगे। भाई ऐसे भी लोकेशन मिल गई जहां हम रुकने वाले हैं, जो अपने ड्राइवर है ना इनके खेत में जा रहे रात को। इंसान सड़क पे आ गया और मेरे को लगा भाई कोई ना कोई खेत वाला जरूर मिलेगा इस सड़क पे, क्योंकि ये ना खेतों वाला रोड है। देख लो बुग्गी भाई मच्छरदानी लगा के लौट रहे हैं। देखो हम कितने खतरनाक कर रहे हैं, नॉर्मल भी कर सके थे अपने घर ही रह लेते 24 घंटे इसके अंदर, लेकिन हम ना घूमते फिरते कर रहे हैं चैलेंज भी। ये देख लो ड्राइवर हमें कैसी टॉप की जगह लेकर आया, यहाँ तो खाट भी है, सपिल्ली भी है। रात तो बढ़िया कट जाएगी लेकिन अभी तक बढ़िया नहीं कटी थी, पुलिस ने पकड़ लिया, कब्रिस्तान में पहुंच गए थे भाई, बहुत पोपट हुए, लेकिन अब ना थोड़ा आराम करते हैं और सुबह का टाइम मिलते हैं। ओ भाई रात को पिको लुक देखो कितना डेंजर लग रहा, खतरनाक लग रहा है यार ये तो पूरा। ये भी पिको पता नहीं क्या दिख गया भाई सामने, कुछ ना कुछ तो है जरूर। कौन है पिको? पोजीशन देखो कैसे ले ली इसने, जैसे उस दिन ली थी ना जब हम चैलेंज कर रहे थे रात को, सेम टू सेम वही पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। तो ओ भाई कोई ना कोई पक्का है सामने। ओए टॉर्च नहीं ले रहे क्या गाइस? हम तो लंबे वाले टॉर्च भी नहीं ले रहे, पागल हो गया तो मुक्त मुक्त। जब ये खांसी वाली बात आ गई, जो ड्राइवर है ना वो कह रहा कि गुजरात में तो दिन हो रहा अभी, और इसे नु बताओ गुजरात कहाँ है, गुजरात कहाँ है बता दो। मुझे भाई लोग कह रहा, मुझे नु कह रहा कि जो कर यार आज के भी 3 बज रहे ने, एक बात और बोल ली इसने कि मैं गया था वहाँ, फिर हमने बताया कि अमेरिका में हो रहा होगा दिन इस टाइम, नू कह फिर मैं अमेरिका का आऊंगा, इसका आज लो ना वीजा बना ना कहीं गाय जहाज में बैठा नहीं हूँ, नू कह रहा कि मैं अमेरिका गया हूँ जहाज में नहीं गया, फिर अमेरिका को कर गया पानी मगो है 10 टेरे पे, नू कह रहा 10 टेरे ट्रक में गया। ओ भाई सुबह के 4:30 बज गए और जिस जगह हम रुके हुए थे ना भाई, यहाँ लेडीज घूमने के लिए आएगी तो उनसे पहले ही निकल लेंगे हम। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, वहाँ रेल देखेंगे आएगी क्या। सुबह के 4:30 बज रहे और हम शमशान घाट के आगे सर्कल लग रहे हैं। अभी सुबह होगी, टाइम देख लो 5:42 हो गए भाई, बढ़िया वाली नींद आ रही थी, बढ़िया वाली तो क्या आई होगी, पूरा शरीर ना तुड़मुड़ आ गया, मतलब ये नहीं पता भाई कितने जिंदे बनेंगे, जिंदा बन जाओ कोई अगर मैं खड़ा कर दिया ना दीवार पर लगा के तो मेरे ऊपर को चढ़ गए आदमी ऊपर चढ़ सके। अभी भाई सामने चेक करो सूर्य देवता निकल गए और अभी भाई सामने से आने वाली है रेल, रेल का नजारा लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह ना रेल देख लेना तो चुक चुक सी हो गए तो मजे से आ जाओगा। वैसे भाई गैंग के खबिटर ये कह रहे, अरे तू भी आउट हो गया चैलेंज बताए गाय, ये देखो टाइम क्या हो रहा 5:42, यू भी आउट हो गया बता भाई, वो लेके हो गए थे बका के। तू आटा तो नहीं, तू मैंने चैलेंज निभाया नहीं निभाया? अरे मजा आ गया भाई साहब, मजा पूरा बाबा की कसम है, तो ऐसा ही बता बहुत बढ़िया आनंद आया पूरी रात। आनंद ना पूछ रहा मैं, मैं पूछ रहा मैं नीचे उतरा नहीं उतरा, कैसा चैलेंज करा मैंने, बहुत अच्छा खाइए मम्मी कसम, मम्मी कसम देख लो तुम्हारे भाई ने भाई दिल तक चैलेंज निभाया। और सुनो पीछे सूरज निकल रहा, इधर चांद भी है, दोनों नजारे एक साथ बैठ के ले लिए भाई सुबह उठते ही। हाँ 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 के बात होगी, खेत में जाऊँ एक बार, खेत में जाऊँ फोटो खींचकाऊँ, फोटो कुछ गुरु जाऊँ ड्राइवर भी टाइट कर दिया, गुरु जाऊँ तू कहेगा।
दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां चैलेंज में सबसे पहले आकर खड़े हुए थे। हां चैलेंज खत्म करेंगे और भाई फोटो शूट करना भी जरूरी है। मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था 8:43 से और ये देखो भाई 8:39 हो गए हैं, 4 मिनट रह गया चैलेंज खत्म होने के। पीकू ने भाई अपना पूरा साथ दिया, अपना गैंग का सिर्फ एक कंप्यूटर रह गया और भाई ड्राइवर ने भी पूरा साथ दिया। गाइस फाइनली 8:43 हो गए, ये चेक करो और भाई ये देख लो भाई कदम रख दिए नीचे, अब पैसे निकल गए सारे के सारे। ओ भाई गड़बड़ होगी। गाइस फाइनली रिक्शा के अंदर हमने 24 घंटे बिता दिए, तो ये अपनी रिक्शा देख लो भाई कैसे कैसे हम रहे इसके अंदर, सारा कुछ हमने दिखाया। गाइस एक दिन ऐसा चैलेंज करेंगे भाई की ये रिक्शा ले लेंगे और हम ना फिर ऐसे जैसे कि मतलब रास्ते में सवारी वगैरह ढोवे ना इस टाइप की जिंदगी दी के देखेंगे तब कैसा लगेगा बताना, करूं ना करूं। और गाइस इस चैलेंज में कम से कम 10,000 लाइक करवा दो भाई, चैलेंज करने में जब तो मजा आवे जब तुम 10,000 लाइक कर दोगे दिल खुश हो जावे। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा। जोर से बोल लो, जोर से बोल लो, बाय 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 बाय।